जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। विगत कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर व्यासपीठ को लेकर के एक अभियान छिड़ा हुआ है, और ये अभियान वो छोटे से रूप में प्रारंभ हुआ और आज एक विकराल रूप धारण कर लिया। जो व्यास गति की गरिमा को तार तार किए जा रहे थे, कोई भी व्यास सही, किंतु सारे व्यासों में जो गलत थे सब में खलबली मची हुई है, और वो ऐसी खलबली मची हुई है कि लोग अपने अंदर झांक करके देख रहे हैं कि हमने क्या अपराध किया, और अपराध का बोध भी उन लोगों को हो रहा है। इसका पूर्ण श्रेय जाता है महानिर्वाणी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती जी महाराज को। ये अभियान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में था और बहुत समय से ये पीड़ा थी सबके मन में, किंतु कोई उजागर नहीं कर पा रहा था। धन्य है वो दोनों बच्चे जो पूज्य महाराज श्री के शरण में आए और महाराज श्री के सानिध्य में आकर के और उन्होंने इस अभियान को प्रारंभ किया, और ये अभियान आज एक जन जन का अभियान हो गया है। कथा को लोग क्या मनोरंजन का साधन समझ रहे हैं। कथा एक मंच की व्यवस्था है, एक धर्म की व्यवस्था है। उस धर्म की व्यवस्था को लेकर के आप नहीं चलेंगे, केवल मनोरंजन ही करेंगे, तो आप तो पतन में जाएंगे ही जाएंगे और समाज को भी पथभ्रष्ट करते चले जाएंगे, और जाएंगे नहीं कर रहे हैं। अपने आप को बहुत बड़े व्यास समझने वाले, अपने आप को बहुत विद्वान समझने वाले, शास्त्रों में संशोधन करने वाले लोग, अरे भाई तुम्हारी इतनी मति है कि शास्त्रों में संशोधन करो, तुम व्यास गद्दी पर बैठ करके व्यास की मर्यादा को नहीं जान रहे तो शास्त्रों में क्या संशोधन करोगे। भागवत कहती है विद्यावताम भागवते परीक्षा, केवल तुम लटके झटके सुना करके कथा सुना रहे हो, व्यास गति की गरिमा नहीं समझ रहे। क्या व्यास होते हैं, क्या व्यास की गरिमा होती है। अरे आप लोगों ने श्रीमद् भागवत अगर पढ़ी होती, गुरु शरण में रह करके, कहीं किसी गुरुकुल में रह करके पढ़े होते, तो ये बातें अनर्गल, ये अलाप नहीं है, अलापते आप लोग। कभी गुरुकुल में गए नहीं, गुरु शरण में रहे नहीं, तो कहां से आप धर्म जानोगे, कहां से मर्यादा जानोगे। और ये निश्चित हम कह रहे हैं कि जो लोग परंपरागत हैं वो कभी व्यास गद्दी का अपमान नहीं करते, वो व्यास गद्दी की गरिमा का ध्यान रखते हैं। व्यास गद्दी पर बैठकर जो भी बोला जाता है समाज उसको मंत्र के रूप में लेते हैं, और आज हम लोग गद्दी पर बैठकर, व्यास पीठ पर बैठकर अली मौला चिल्ला रहे हैं। अरे कुछ समय बाद जब ये आपकी वीडियो देखेगी जनता, कुछ समय की पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी देखेगी, क्या कहेगी कि ये हमारे धर्म ग्रंथ के ये मंत्र हैं। हम लोग कभी इतिहास उठा करके देखते हैं तो केवल उन्होंने मुगल ही मुगल दिखाई देते हैं, और लगता है कि भारतीय संस्कृति मुगलों से ही प्रारंभ हुई है। आगे आने वाली पीढ़ी भी यही देखेगी कि श्रीमद् भागवत में क्या यही लिखा है। समय होगा नहीं लोगों पर, क्या करेंगे भाई, पदभ्रष्ट मत बनो, सुधर जाओ, समझ जाओ, अभी भी समय है आप लोगों के पास। और अगर अभी न सुधरे ना, तो ये अभी तो सोशल मीडिया का एक अभियान चला है, और पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में ये अभियान शुरू हुआ है, और जब जागृत हो गए ना लोग, तो तुम लोगों को डंडे लेके दौड़ाएंगे, इसलिए अभी